लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। जो असली चीज इस समय है वर्तमान में वो है जो राष्ट्रीय आंतरिक और बाहरी दोनों सुरक्षा को खतरा है, जो नौजवानों के भविष्य के साथ खतरा है, इसको आप लोग लें और ये अहिंसात्मक होना चाहिए। इसलिए सत्याग्रह के रूप में हम अपना विरोध दर्ज करने जा रहे हैं, क्योंकि ये मानना है कि एक तो जो बच्चा 4 बजे उठ के सुबह दौड़ता है इस उम्मीद के साथ कि वो भर्ती होगा और पूरा जीवन उसका सिक्योर होगा और देश की सुरक्षा में लगेगा और राष्ट्र की सेवा में रहेगा, वो खत्म हो रहा है। 4 साल का तो बच्चा पक्का सैनिक भी नहीं बन पा रहा, 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप चाह रहे हैं कि वो जो हाईली इक्विप जो बहुत ज्यादा जिसमें टेक्निकल दक्षता चाहिए वो आप 6 महीने की ट्रेनिंग में कैसे करा देंगे। आदमी मानसिक रूप से भी 6 महीने में सिपाही नहीं बनता। एक सिपाही को जो पुराने फौज के जो लोग हैं वो लोग इसके अनुभव हुई लोग हैं वो ये कहते हैं कि एक सिपाही को पक्का सिपाही बनने में 6 से 7 साल लगते हैं। उसकी 6 महीने की ट्रेनिंग, 9 महीने की ट्रेनिंग, फिर बीच में 2-3 महीने की ट्रेनिंग, उनके ट्रांसफर और जहाँ वो काम कर रहे हैं उसके बाद जाकर उसका जज्बा उसका वो पैदा होता है। और 4 साल का जो नौकरी में बच्चा गया होगा उसको आप बॉर्डर में कैसे भेज देंगे, 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप मरने के लिए ट्रेन सेना के सामने भेज देंगे। और रशिया का इससे बड़ा उदाहरण नहीं है। इस समय रशिया एक छोटे से यूक्रेन देश से लड़ रहा है, रशिया के पास भी इसी तरीके की व्यवस्था है, कुछ कुछ साल की नौकरी वाले वहां सिपाही हैं। आज जिस लड़ाई को लोग 10-15 दिन की बता रही थी कई महीने बीत गए, एक छोटे से यूक्रेन को रशिया नहीं जीत पा रहा, उतना बड़ा राष्ट्र, इतना मजबूत राष्ट्र। इससे समझा जा सकता है कि भारत की सेना को किस तरीके से कमजोर किया था। और अग्निवीर योजना आने वाले समय में पूरे देश के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाली, और जो फौज फौज की तरह चलने वाली, फौज को कोई नहीं बदल सकता। हमारी सेना का जो इतिहास अदम्य वीरता और साहस का इतिहास रहा है, पराक्रम में हमारी सेना विश्व की नंबर 1 सेनाओं में से एक सेना रही। वो सेना अपने स्तर से चलेगी, अपने जो उनका एक पुराने समय से जैसे चली आ रही उसी तरह से सेना आगे बढ़ेगी। और दूसरों के विरोध के नौजवानों को भरमाने का काम कर रहे हैं, उनको भरमाने का काम कर रहे हैं। हमने कहा उत्तराखंड के अंदर मैंने जैसे अभी भी योजना आई ना, हमने कहा चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारा आपदा प्रबंधन विभाग हो, हमारे 4 धाम यात्रा के प्रबंधन हो, ऐसे अनेकों डिपार्टमेंट हो, जितने भी अग्निवीर आएंगे हम उनको प्राथमिकता से लेने का काम करेंगे, उनको प्राथमिकता के आधार पर सेवा देने का काम करेंगे। और उनके अंदर जो अनुशासन उनका भरा होगा, तमाम आज देश के अंदर चलने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां, उन सभी कंपनियों ने कहा है कि हम जो है जो भी अग्निवीर आएंगे उन सभी अग्निवीरों को हम अपने यहाँ सेवा देंगे। तो इस प्रकार से और एक पार्टी है जो नौजवानों को बड़गला रही है, जिन्होंने कभी सत्याग्रह देखा नहीं, लोगों के अंदर हमेशा दूर यातनाएं देने का काम किया, आज सत्याग्रह की बात कर रहे हैं जब आपके ऊपर आ गए। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।